excitement and Bill made some beautiful memories for us all. It is that he said days are not to the throughout the year and also a lot of fun and joy the children bring to all through the new one that is about to begin. और उसे तपस्या का तेल भरा हो, दया की नरम मुलायम बातें हो और चाहते क्षमा की ज्योति हो, तो हम आशा ज्यादा है, उल्लास और आनंद भी ज्यादा है और रोशनी भी ज्यादा है। आदरणीय पद्मश्री विजय कुमार श्री विनय कुमार झा जी, IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, श्री अभिषेक मुंजाल जी MD हीरो साइकिल्स, श्री ओंकार सिंह पावर जी चेयरमैन से निधि प्रज्वलित हो रहे हैं। जिंदगी के रंग, खुशियों की दास्तान और शिक्षा की एक नई खुशबू लेता है, वो यूं ही आगे बढ़ता रहे, शिक्षा का दिया यूं ही जलता रहे, इसी ख्वाहिश के साथ इसी अभिलाषा एक आगे बढ़ने का जज्बा लेकर चल रहे हैं, वो हमारा जरूर पूरा होगा। आज हमारे बीच में 7 प्रदेश से वो अवॉर्डीज नहीं सुधरी हैं और समाज को एक नई दिशा भी मिली है और इनके जज्बे और जुनून से प्रेरणा लेकर खुद में भरोसा जगाकर हम भी जिनके चेहरे पर तजुर्बे का नूर है और जिन्होंने दुनिया में एक मिसाल कायम की है और इन सब अवॉर्डीज को जो अवार्ड्स देने जा किए हैं अपनी कामयाबी के, उन्होंने नए नए झंडे गाड़ दिए हैं। साथ में श्री विनय कुमार झा जी हैं चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने अपने अपनी फिल्म में पकड़ी रगड़, IAS ऑफिसर DGPIB ARNI के यूथ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के मुख्य आश्रयदाता, निःशुल्क योग्य अभी इन्होंने रिटायरमेंट ली है, दिल से प्रशंसा करते हैं। 1999 में एक शुरुआत लंबी डगर है, कार्य बहुत हैं, जड़ से मिटाना है अपराध, प्रभु कृपा हो सदा आप पर, देश की सेवा करते रहना, कानून की करते हुए रखवाली, यूं ही आगे बढ़ते रहना। धन्यवाद। आपके सराहनीय कार्यों की हार्दिक अनुमोदना करते हैं। 1946 में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षित वंश में व्यवस्था 17 करोड़ के योगदान से लाखों लोगों की सुधरी अवस्था, गीत लिख जागृत सदस्य, बालकों व वैवाहिक वादों का निस्तारण, 17 जोड़ों को एक किया, सुरक्षा अवार्ड, आपने अपनी काबिलियत से पाए हैं 26 सम्मान, आपकी समाज सेवाओं पर हर देशवासी को है मान, 20 वर्ष की आयु में ही समाज सेवा का अवसर पाया,
ऐसी लगन लगी यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड डायरेक्टर प्रिंसिपल को सलाम, आपकी निस्वार्थ सेवाओं पर मानवता को सदा ही मान। धन्यवाद। ओहा का नाम आपसे रोशन हुआ। मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट परोपकारी नवयुवा अपने सुंदर प्रयासों से इस समाज को सजाते रहना। धन्यवाद। बाद में जन्मी लॉरेटो कॉन्वेंट में की पढ़ाई इंग्लिश साहित्य प्रथम प्रेम था। धन्यवाद। yes, और ऐसे ही शब्दों की दरकार हमारी ओर से भी उनको कि वो यहाँ पर आए और अपने आशीर्वचन एक आज समारोह में अभिनंदन आपका करते हैं। आपके रचनात्मक कार्यों की हार्दिक अनुमोदना। अपने शब्दों के जादू को यूं ही सदा बनाए रखना। मानव हित की इस मशाल को हमेशा ही जलाए रखना। धन्यवाद। दिल्ली में जन्मी पिता बैंक कर्मी पर बेटियों को शिक्षा दिलाई फाइन आर्ट्स कॉलेज से ग्राफिक में बी ए व्यवसायिक कौशल से अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बनाया। लुधियाना में हुआ विवाह बेटा बेटी गोद में आए ससुराल वालों के पूर्ण सहयोग में आपके सपने पूरे कराए। पिता ने आज एक अलग ही शान देश ही नहीं विदेशों में भी चमक रहा भारत का नाम। प्रभु सदा आप पर सपने हो सारे साकार इस होनहार बेटी के लिए हार्दिक अनुमोदना करते हैं। एमए बीएड पीएचडी कर विवाह पश्चात सहारनपुर आई तोड़ कूप आपने दस्तक अभियान चलाया। 13 बालिकाओं की शिक्षा का खर्च आपने स्वयं उठाया। आपकी सेवाएं बयान करने को शब्द मेरे हैं बहुत ही। बीच में यहाँ मंच पर उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय श्रीमती विंती डावर। इस स्वाभिमान समारोह में अभिनंदन मिट्टी व बोर्ड ऑफ स्टडीज अनेक जगह पर रही सदस्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप सम्मेलनों सेमिनारों में भाग लिया। फूड एंड न्यूट्रिशन पर समारोह में अभिनंदन आपका करते हैं। आपकी शानदार उपलब्धियों की दिल से सराहना करते हैं। यूके एवं ऑस्ट्रेलिया यूएसए में 12 साल काल्पनिक तथा रचनात्मक सोच से आपने वहां पर किया बुजुर्गों की सेवा का बीड़ा उठाया। मैडम थोड़ा मिक्स हो थोड़ा नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट कई राज्यों में आपने चलाया। अपनी विलक्षण सेवाओं आपकी समाज सेवाओं की दिल से सराहना करते हैं। पति की असामयिक मौत के बाद पूर्ण करी पढ़ाई आपने संचालित किया। सिलाई कढ़ाई और सौंदर्य क्षेत्र में खूब मेहनत से कार्य प्रशिक्षण मेडिकल शिविरों में देते सेवाएं। आपकी सेवाएं बयान करने को शब्द मेरे हैं बहुत ही कम। रब की कृपा हो सदा आप पर यही जन्म हुआ। कंप्यूटर साइंस में बीएससी में अंतिम वर्ष आपका चल रहा का खिताब पाया। आपने बेहद सुंदर की है अपनी कार्य की शुरुआत। यूं ही आगे बढ़ते रहना सभी आशीष सदा है साथ। प्लीज सामने देना पेट कैमरा। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। हैदराबाद आईएएस ऑफिसर एडीसी बठिंडा आशा प्रोजेक्ट की रचना अपनी पर नोबेल फाउंडेशन से सम्मान पाया। आपके सद्गुण बयां करने को शब्द मेरे हैं बहुत ही कम। आपकी प्रशंसक अनुमोदना कर प्यारी बेबी तारुषी गौर। इस स्वाभिमान समारोह में अभिनंदन नकद पुरस्कार जीता है। 26 जनवरी की परेड में स्व बचाव का प्रदर्शन किया।
सुपर स्पोर्ट्स स्टार की पदवी से निगम आयुक्त ने सम्मानित किया। शिक्षा ओलंपियाडों में भी 10 स्वर्ण पदक ने पाए। देश विदेश में अब तक कुल 200 से अधिक सम्मान है पाए। प्रभु कृपा हो सदा आप पर, हर सपना हो पूर्ण आपका। ऊंची उड़ाने भरने वालों, आसमानों पर हक है आपका। हाँ जी सामने जी भाई 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 हर जगह है खिला खिला शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाने का संकल्प है। यहाँ पर सुबह शामिल हुए हैं। थैंक यू सर एक थोड़ा है मैडम जोरदार तालियां बजाएं। बाकी तो मुझे कैमरा ही ले जाए यार गल है कोई था कैमरा कर उनसे निवेदन है कि कृपया वो भी ऊपर आ जाएं। भरपूर तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। यस मैम सामने सर सर यस मैम सामने चाहूंगी मंच पर एसएसपी सरदार मनोहर सिंह जी उनसे निवेदन है कि कृपया वो मंच पर सम्मान लेते हुए एसएसपी साहब और आप सबके सुनता यूं ही बना रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर घुमाने का वादा किया है और वैष्णव देवी माँ के दर्शन के लिए आप मालूम है कितनी मुश्किल होती है वो उनके सपोर्ट से डॉक्टर एस पी बैची आईपीएस डीजीपी जम्मू कश्मीर ओके सर हमारे आज के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि हमारे दो जो ट्रेडर्स फाउंडेशन के ओर से बुलाना चाहूंगी लक्ष्मी और चांदनी को आप सबकी भरपूर तालियों के बीच में। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि रोज की मार घाट से मुझे आपने निकाल कर यहां लाया और ये जो आपने इज्जत और मान दिया ये इसका हकदार मैं नहीं हूं। मेरा वो जवान है सिपाही है जो रोज कश्मीर में जंग से जूझता और एक बड़े ही मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं जहां हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक प्रॉक्सी वार लगाई हुई है और हमारे वहां जो भी कश्मीर में रह रहा है बड़ा बहुत ही मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूं उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजर रही है और मैं देख रहा था ये नन्हे नन्हे बच्चे आप 26 स्कूल चलाते हैं और 4000 बच्चों को सपोर्ट करते हैं इनकी आंखों में भगवान का स्वरूप दिखता है और ये मेरे उस देश के वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो जिंदगी की इस राह में मेरा देश चल रहा है इनके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता और ये हमारी जो स्लम्स हैं ये अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का एक ऐसा देन है जिनको अगर हम साथ नहीं ले चले तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता और मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है नोबल फाउंडेशन
जो काम कर रही है, मैं कहता हूं कि आपने एक एग्जाम्पल सारे मुल्क के लिए बना के रखी है। भगवान करे हर शहर हिंदुस्तान का इस तरह का नोबल काम करे जो नोबल फाउंडेशन करे। फिर मुझे कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान दुनिया में बेहतरीन मुल्कों में होगा। और आपको संस्कृति का मुझे बताने की जरूरत नहीं, इस मुल्क ने जो दुनिया को दिया है शायद ही किसी मुल्क की इतनी देन है। ये है कि पिछले कुछ सालों से हम उसको भूल गए, पिछड़ गए और गुलामी में ये सब हमारे याददाश्त से जाता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज मैं देख रहा था आपने पूरे हिंदुस्तान से बच्चों को, औरतों को, लेडीज को, जो 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 जिन्होंने अपना सिक्का इस जिंदगी में बनाया है, आपने उनको रिकॉग्नाइज किया। एक बहुत बड़ा काम है। यही हमारी असली पहचान है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये बच्चे कभी वैष्णो देवी आना चाहें या कश्मीर की सैर करना चाहें या पत्नीटॉप जाना चाहें, तो जम्मू कश्मीर पुलिस इनके इनको वेलकम करेगी, इनके साथ है। आप अमरनाथ यात्रा के बहुत पुराने साथी हैं और अमरनाथ यात्रा तो बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जहां भी ये जाना चाहें आप मुझे सिर्फ एक फोन करें, जम्मू कश्मीर पुलिस आपके साथ। धन्यवाद। यह चौथा सम्मान समारोह है जिसे विच लेडीज को सम्मान देता है। उन सारे मुबारकबाद और रजिंदर जी ने खास मुबारकबाद के फंक्शन बहुत अच्छा है और उनका चयन बहुत अच्छा है। मुझे याद आता है कि इस वक्त पहला स्कूल खुलिया बहुत छोटी जगह से एक सानू लै गए बड़ी, तो मैनू उम्मीद नहीं सी कि क्योंकि रजिंदर शर्मा ना तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना कोई कारखाना चाहता है, ना कोई लीडर है, एक इंश्योरेंस कंपनी वर्कर है। लेकिन आज 4,000 के ऊपर बच्चे हैं, 26 स्कूल हैं जगह जगह पंजाब में, और इन्हें साल चलाना भी बड़ा औखा काम है। कोई पंजाबी लगातार 15 साल काम करे और इन्हें बच्चिया लगातार पढ़ाए और इन्हें स्कूल चलाए मुश्किल गल है। थोड़ी जी तालियां लगा दें। तो लगातार एक इन्होंने मुहिम चलाई है उन्होंने बच्चों पढ़ाने जो जरूरतमंद है। ये ज्यादा बच्चे यूपी बिहार के हैं, अच्छ साढ़े बच्चे जोड़े हैं किसान के वो खेतों नहीं जाते हैं, वो सब बस जा रहे हैं। साड़िया फैक्ट्रिया भी हूँ यूपी बिहार ही देी वर्कर इतने काम करके राजी नहीं, वो इतने प्यो का मूँह पूंजना रल नहीं समझना, अंग्रेजों की लैटरिन साफ करते हैं। पंजाब तेजी नाल खाली हो रहा है, तेजी नाल खाली हो रहा है। कुछ दिन पहला जलंधर एक पटियाले की फर्म है, फैंसी लाइट्स उन्होंने बूटा का काम, शूज का काम शुरू किया। तो दो तीन जगह उन्होंने 18 खुले बकरी जगह से शोरूम तो वो कहेंगे जलंधर खोलना तो तुम्हें ओपनिंग करनी है। तो मैं क्या गल है कि तुम थोड़े शूज सारे देखे कमाल करती है, लेकिन 20 साल बाद इतने बुढ़े रह जा रहे हैं
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਪਾ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਮੰਦੇ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿਵਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਗਏ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਠਾ ਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰਾਈ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਪਵਾਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਂਝ ਬੜਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਮਾਊ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਟੂ ਬਾਰਡਰ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਡਰੱਗਸ। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਥਿਆਰ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ 2-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ 2-4 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਅਮੈਰੀਕਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮੈਰੀਕਨ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਰਮਨ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮੈਰੀਕਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਦੋਂ ਬਣੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 2 ਕਰੋੜ ਚਲੇ ਗਏ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਤਰਾਈ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਬੇਟੀ ਵਸਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 50% ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ BJP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਸੀ ਕਮਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਢੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਸਦੀ।
और मैं ज्यादा नहीं बोलना क्योंकि मैं भी अगे जाना है तो तुम भी लेट हो गए भुख तुम्हें भी लगी है जो थोड़ी बहुत मैंने भी लिखी तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह ही शाबाश दिंदे रहो रजिंदर जी को और इस तरह काफिला चलता रहे जिसे तक जड़िया साड़िया भैन हैं मेरे नाल इनकम टैक्स कमीशन खड़े सी तो दूसरे पास बैर जी मैं क्या लगता है 20 साल बाद इन्हों का ही राज हो जाना इन्हों के आखिरी राज आ जाना कौड़ी भी इन्हों पुलिस के अफसर भी इन्हों इनकम टैक्स दियां भी आई तो जो जिस तेजी नाल बढ़ रही है मैं एक कंपेन शुरू की है कि 11 बुजुर्गों को सम्मानित करो जिते जिते जागरण होंगे तो 11 बच्चे 80% नंबर लैन उन्होंने सम्मानित करो 11 बच्चे जो आते ना उस 9 कुड़िया होंगे तो 2 मुंडे होंगे जिस वे मुंडा आता मैं कहना शुक्र साड़ी इज्जत रखी है मुंडिया असं खराब करता है कुड़िया मेहनत कर रही हैं वह तुम अब देखो भी चौथा फंक्शन है ये किनिया लायक लड़कियां ने कि पर्सनैलिटी किनी अच्छी है कद अच्छा है उन्होंने अपनी सेहत भी ठीक रखी है और डट भी है तो जिस तरह मैं कहा कि 20 साल बाद इतने बुढ़े हो जाने मैं लगता 20 साल बाद इतने कुड़ियों का औरतों का ही राज आ जाना जय हिंद फाउंडेशन द्वारा एनुअल फंक्शन गुरु नानक देव भवन पद्मश्री विजय चोपड़ा जी की अध्यक्षता में हुआ और इसमें जो चीफ गेस्ट थे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर एसपी बैद आईपीएस डिप्टी कमिश्नर ऑफ जनरल पुलिस और श्री विनय कुमार झा आईआरएस चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना और लुधियाना की बहुत सारी इंडस्ट्रीज के हीरो साइकिल एवन साइकिल ग्रुप के मालिक थे। आज हमने 6 स्टेट से 16 उन औरतों को बुलाया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज में ब्यूरोक्रेसी में और इंटरप्रेन्योर पानी के ऊपर इतना बड़ा काम किया है तो 6 स्टेटों में आके उन औरतों ने हमारा नोबल फाउंडेशन का मान बढ़ाया। मेरे को ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है इन 16 औरतों में से जो हमने एक सिलेक्शन की है ये थ्रू मीडिया की है हम इनको किसी को सिर्फ एक को छोड़ के जो लुधियाना के हैं उनको छोड़ के बाकी 15 को आज हमने पहली बार दर्शन किए हैं उनके तो हम उनको धन्यवाद करते हैं कि नोबल फाउंडेशन के ऊपर उन्होंने इतना विश्वास किया। जैसे आमला मैम जी वो बॉम्बे से आए हैं अपना पैसा खर्च करके वो पानी ही राजस्थान में उन्होंने काम किया तो आज बच्चों ने संस्कृत प्रोग्राम पेश किया है हमने जो बच्चों को स्लम एरिया में जो स्लाइस खाते हैं हम उन बच्चों का हमने सर्टिफिकेट दिए हैं और बच्चों को हमने बुक्स बैग का आज एक फॉर्मल फंक्शन टोटल 27 स्कूल है पिछले हमारे 3999 बच्चे थे अब इस सेशन में हमारे पास 32 स्कूल हो जाएंगे और उस स्कूल की जो संख्या 5000 के करीब हो जाएगी। जैसे डीजीपी साहब ने बोला है कि जैसे नोबल फाउंडेशन काम कर रही है तो हिंदुस्तान में जो है सारे बच्चे स्कूल में जाएं तो नोबल फाउंडेशन का यही एक मिशन है कि कोई दिन ऐसा आएगा कि नोबल फाउंडेशन जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उन सारे बच्चों को स्कूल भेज के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है वो पूरा करे। सरकार की मदद की बात करें पिछले 10 साल से ये नोबल फाउंडेशन चल रही है सरकार की तरफ से हमने ना कोई पैसा मांगा है ना हमें जरूरत है तो माननीय नवजोत सिंह सिद्धू जी ने लास्ट ईयर एक 3 लाख और 10 लाख की जो ग्रांट हमें 20 अप्रैल को 17 सितंबर को जो भेजी थी वो हमने अनाउंस की थी वो हमें अप्रैल में मिली है तो हमारा 10 साल के अंदर तकरीबन 9 करोड़ रुपया खर्च हो गया सिर्फ 13 लाख की ग्रांट आई है। हमारे जो लुधियाना के जो लोग हैं इनका बहुत बड़ा दिल है हम मांगने नहीं जाते लोग खुद नोबल फाउंडेशन को देने के लिए आते हैं।